संविधान दिवस के अवसर पर अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की गोरखपुर इकाई द्वारा बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में सोमवार को परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भारतीय संविधान में विधिक सहायता का अधिकार अधिवक्ता ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में भारतीय संविधान पर अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, मंत्री अजय कुमार शुक्ल, कृष्णानंद तिवारी, महेंद्र नाथ शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, पूर्व मंत्री प्रियानंद सिंह सहित एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद रहे। संविधान दिवस जिसका विषय संगोष्ठी का विषय भारतीय संविधान में विधिक सहायता का अधिकार, ये 26 नवंबर 1949 को ही संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, आत्मापित किया गया था और नियमित किया गया था। और इसी नाते हम आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जहाँ तक संविधान हमारा जो है सबके प्रति समभाव रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगर आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग देखें तो प्रीएम्बल में ही ये बात आती है कि हम भारत के लोग इसको भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए और यहाँ के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए, ये मतलब हमारा इनिशियल लाइन है प्रीएम्बल का। वैसे तो प्रीएम्बल अगर हम देखें तो हम पूरे संविधान का एक लुक हमको मिलता है, पूरे संविधान का परिदृश्य इसमें दिखता है। व्यवस्था की गई कि जो भी इस तरह के वंचित लोग हैं उनको स्टेट के पास पे मतलब जो भी न्याय के लिए उनको जरूरत है, लीगल परामर्श के लिए, उसके लिए ये 39 के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट भी इन फोर्स में आया 1997। ये लोग इस मतलब समाज में न्याय पाने से जो वंचित हो जा रहे थे वो न्याय पाने का जो विचार प्रस्तुत किया कि ये इस तरह का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इस तरह से प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि वो मिलने का जनक उनको माना जाता। जब वो आए 85 के दौरान आए वो उनको मिलने का जनक माना जाता था और मतलब अगर एफोर्ड नहीं कर पा रहा है लीगल सर्विसेज को तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको लीगल एड दे। मैं समझता हूँ आप सभी अवगत होंगे कि वर्ष 1979 के पहले यह सच है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपने एक दस्तावेज के रूप में लाया गया जो 50 में जाकर लीगल और आत्मापित हुआ। लेकिन इस दिवस के रूप में मनाने का पहला कार्य सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष संविधान विशेषज्ञ लक्ष्मीपाल सिंह जी ने पहली बार ये चिंता की कि हम लोग जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो एक साथ एकत्र होकर इस दिवस को विधि दिवस के रूप में आयोजित करें। सर्वप्रथम मैं अधिवक्ता परिषद और विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में इस महत्वपूर्ण विषय पर जो गोष्ठी आयोजित की गई है उसके लिए आयोजित हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर वृद्ध व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा विषय है और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, देश के आजाद होने के बाद महापुरुषों के मन में आजादी के महापुरुषों के मन में एक भावना आई कि देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो
अन्य देशों के संविधान के महत्वपूर्ण तक है उनको समाहित करके इसका निर्माण किया है। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति का गठन हुआ। उस समिति के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस समिति के अध्यक्ष चुने गए। बाबू राजेंद्र प्रसाद समेत अन्य लोग उसके सदस्य 26 जनवरी 1949 को संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 संविधान। मित्रों, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं समाज से हर नागरिकों को उसकी जागरूक जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर समाज के नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं होगी